वर्णाश्रम अभिमान तजी वर्णाश्रम अभिमान तजि पद रज ही जासुकी संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बानी विमल रासुकी वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंद ही जासुकी संदेह ग्रंथ खंडन निपुण बानी विमल रयदास की भक्तमाल में नाभादास जी ने सामाजिक नव जागरण के अग्रदूत आश्रय शाखा के महत्वपूर्ण कवि श्री रैदास जी के संबंध में प्रशस्ति की है वास्तव में संत रविदास निम्न वर्ग में समुत्पन्न होकर भी उत्तम जीवन शैली उत्कृष्ट साधना एवं उल्लेखनीय आचरण के कारण आज भी भारतीय धर्म साधना के इतिहास में सादर स्मरण किए जाते हैं सबसे बड़ी बात उनके जो जीवन की थी उनका आचरण उनकी जो साधना पद्धति थी और जो जीवन शैली है उसके कारण संत रविदास आज सर्वत्र चाहे वो भक्ति जगत हो चाहे साहित्य जगत हो सर्वत्र उनकी प्रतिष्ठा है संत रविदास का जन्म काशी में हुआ था माघी पूर्णिमा के दिन जन्म तिथि के संबंध में विभिन्न मत हैं काशी के विद्वान रयदास जी का जन्म समय चौदह सौ बयासी ईस्वी के आसपास मानते हैं इनके पिता का नाम रघु संतोष दास था और माता का नाम घुरविनिया कुछ विद्वान कलसा देवी कहते हैं रैदास जी ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था जिस पर उन्हें बहुत स्वाभिमान था इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है चौदह सौ तैतीस की माघ सुदी पंदरास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रास वे विवाहित थे उनकी पत्नी का नाम लोना था अपनी संत प्रकृति के कारण प्रयाग मथुरा वृंदावन पुष्कर चित्तौड़ आदि स्थानों का भ्रमण किया संत रैदास भ्रमणशील थे संत कबीर की तरह रैदास जी के गुरु स्वामी रामानंद महाराज थे स्वामी रामानंद ये संत कबीर के भी गुरु थे पहले संत कबीर ने दीक्षा ली इसके बाद अपने रैदास जी ने लिया ऐसा विद्वानों का मानना है और मीराबाई जो थी वे संत रैदास की शिष्या थी संत मत के विभिन्न संग्रहों में संत रैदास की रचनाएं मिलती हैं लेकिन संत रैदास जी की रचनाओं का संकलन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है बाल वेडियर प्रेस प्रयाग से उनकी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं इसके अतिरिक्त इनके जो चालीस पद हैं गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं संत रविदास की वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखा के मध्य सेतु की तरह है पुल की तरह है उनकी रचनाओं में उनकी वाणी में ज्ञान आश्रयी शाखा का भी मत समाया हुआ है और प्रेमाश्रयी शाखा का भी मत समन्वित है ज्ञानाश्रयी शाखा के जो संत कवि थे ये समाज के सच्चे प्रहरी थे उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक दोषों को दूर किया आदम्बरों एवं पाखंडों का पर्दाफाश किया जो कुरीतियाँ थीं उनका खुलकर विरोध किया जनता के भीतर सत्य और आस्था और आत्मविश्वास का संचार किया संत काव्य केवल आध्यात्मिक चेतना का ही नहीं वरन जीवन चेतना का भी काव्य है संतों का उद्देश्य था लोक हित और ये मध्यकालीन कवियों में सभी में देखने को मिलता है जैसे गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में सुरसरी सम सब कह हित तो हो गंगा के समान सबका जैसे गंगा सबको समान भाव से देखती हैं उनसे सब लाभ लेते हैं उसी तरह से जो हमारे संतों की वाणी है जो भक्ति काल में मध्यकाल में जो समाज के सामने आई उसमें कल्याण ही सन्निहित है उनके काव्य में भले ही अभिजात्य काव्य का वैभव न हो उनकी भाषा अटपटी और खिचड़ी हो लेकिन उनके भीतर अनुभूति का ताप है रस की सच्ची अनुभूति है संत कबीर संत नानक निमाणी संत सिंगा दादू दयाल मलूकदास सुंदरदास कबीर के जो शिष्य थे धर्मदास और रैदास जी जैसे संतों का समाज में जो प्रदेय है वह प्रणम में है प्रेम मार्गी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी मंझन कुतुबन और उस्मान आदि ने मनुष्य के भीतर प्रेमानुभव और प्रेम की पहचान जगाने का पवित्र कार्य किया है शुद्ध लौकिक प्रेम को दार्शनिक और परमार्थिक सत्ता देकर उदात्त किया है उस काल के लगभग सभी संत कवि जो हैं सदगृहस्थ थे लेकिन उनका जीवन जो है वैराग्यमय रहा चाहे कबीर हो चाहे रहदास हों चाहे मलूकदास हो चाहे नानक हों सभी लोग वैराग्यपूर्ण जीवन जीने वाले हमारे संत रहदास जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उच्च कोट के विरक्त संत थे उन्होंने समता सदाचार पर बहुत ही बल दिया वे खंडन मंडन में विश्वास नहीं करते थे जैसे संत कबीर ने खुल करके खंडन किया है अरे इन दो न पाई हिंदुवन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, ऐसी तरह से काकर काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए जप माला छापा तिलक सर नए को काम तो इस तरह से संत कबीर ने जो कुरीतियाँ देखीं जो पाखंड देखा उसका खंडन किया लेकिन हमारे जो संत रविदास हैं ये खंडन मंडन में विश्वास नहीं करते थे सत्य को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही उनका उद्देश्य था संत रविदास का जो प्रभाव है आज भी भारत में दूर दूर तक फैला हुआ है इस मत के जो अनुयायी हैं रैदासी या रविदासी कहलाते हैं जो हमारे रैदास की परंपरा के संत हैं रैदास जी की भाषा में ब्रज अवधि राजस्थानी खड़ी बोली उर्दू और फारसी के शब्दों का मिश्रण दृष्टिगोचर होता है दिखाई देता है उपमा और रूपक अलंकार कवि को बहुत प्रिय रहा है रैदास जी के पद भक्तों गायकों और संतों के लिए कंठाहार है जैसे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी बहुत प्रसिद्ध ये पद है जिसे भजन के रूप में संत लोग गाते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बासा समानी प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति भरे दिन राती प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सोहागा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रह दासा इस तरह की भक्ति थी रहदास की पूर्ण समर्पण था रह में परमात्मा के प्रति उनका विश्वास था कि राम कृष्ण करीम राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं परमात्मा एक है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति और एक ही ब्रह्म के विभिन्न नाम हैं वेद पुराण कुरान आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है वास्तव में संत रैदास की रचनाओं में लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग मिलता है आचरण व्यवहार की उत्तमता पर उन्होंने बल दिया कि व्यक्ति का आचरण और व्यवहार उत्तम होना चाहिए अच्छा होना चाहिए व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए और परमात्मा की जो भक्ति है वह आडंबरहीन हो दिखावा न हो परमात्मा दिखावे से प्रसन्न नहीं होता जब आप आडंबर विहीन परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी वह आपसे प्रसन्न होगा सहजता और सरलता से ईश्वर की प्राप्ति संभव है अन्यथा नहीं अब आइए पढ़ते हैं संत रैदास जी के पद जाति जाति में जाति है जो केतन के पात रेदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात रेदास कनक और कंगन माही जिमि अंतर कछु नाही तैसे ही अंतर नहीं हिंदुअन तुर्कन माए शब्दार्थ देखें जाति जाति वंश भेद श्रेणी और केतन केतन कहते हैं केला को केतन केला और पात यानी पत्ता और केतन उसे भी कहा जाता है जो केले का पेड़ होता है जिसका छाल अलग अलग करते जाइए तो निकलता जाएगा और अंत में कुछ भी शेष नहीं बचता कनक माने सोना स्वर्ण और कंगन हाथ में पहनने वाला आभूषण जो स्वर्ण का होता है हिंदुअन हिंदू तुर्कन यानी मुसलमान इन दोनों दोहों में संत कबीर रहे ने जाति पाति के भेदभाव को त्याग कर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है संत शिरोमणि रैदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार केले के पत्तों में कई केले निकलते हैं या केले के पौधे को छीलिए तो परत दर परत पात निकलते जाते हैं छिले के निकलते रहते हैं उसी प्रकार मनुष्य की जाति में भी अनेक जातियां पाई जाती हैं। इनमें आपसी भाईचारा मैत्री आत्मीयता तब तक नहीं हो सकती जब तक जाति पात का भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता ये जाति पात ही व्यक्ति को मिलने नहीं देता रैदास कनक और कंगन माही जिमी अंतर कछु ना है। संत रैदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोना और सोने से बने कंगन में एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जो हाथ में कंगन पहना जाता है वो भी सोने का ही होता है लेकिन हैं दोनों सोने ही कोई अंतर नहीं होता क्योंकि दोनों स्वर्ण हैं ठीक उसी प्रकार तैसे ही अंतर नहीं हिंदुअन तुर्कन माही रेदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में भी कोई अंतर नहीं होता दोनों की त्वचा और खून में अंतर नहीं है आगे संत इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हिंदू तुरक कछु नहीं भेदो सभी मह एक रक्त और मासा और दोष एक दूजा नाही पेखे सोई रहे कह रहेदास तेरी भगत दूर हैं भाग बड़े सो पावे तज अभिमान मेटिया पा पर पिपिलक हो चुनी खावे संत कबीर अभी यहां थोड़ा शब्दार्थ देख लें रक्त माने खून मासा माने मांस त्वचा चमड़ी पेख्यो माने देख्यो और पिपिलक सीटी को कहा जाता है संत रहेदास कहते हैं कि हिंदू और तुर्क में मुसलमान में कोई भेद नहीं है एक ही तरह की त्वचा है खून है मांस है अस्थियाँ हैं हिंदू और मुसलमान दोनों में एक जैसी ही होती हैं इस बात को मैं देख चुका हूँ इसमें कोई दोष नहीं है ये सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं ईश्वर को ने मुसलमान को भी बनाया है और हिंदू को भी बनाया है परमात्मा ने हिंदू को भी बनाया है और मुसलमान को भी बनाया है कह रहे दास तेरी भगत दूरी है प्रभु तुम्हारी भक्ति बहुत दूर है बड़े भाग सो पावे बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो आपकी प्राप्ति कर सकता है माने ईश्वर प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है जो मनुष्य अपने घमंड को त्याग कर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है वही उन्हें प्राप्त कर सकता है अन्यथा जो अहंकारी है जिसमें दोष है अभिमान है गर्व से फूला हुआ है उसे ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है ईश्वर को पाने के लिए अपने को छोटा बनाना पड़ता है बहुत अच्छा उदाहरण संत रैदास ने दिया है कि जैसे जमीन पर गिरी हुई एक एक शक्कर को चीटी चुन चुनकर खा लेती है अब आप देखिए क्या हाथी उसे खा सकता है और कोई क्या उसको उठा सकता है नहीं उस शक्कर रूपी परमात्मा को उस मिठास को उस आनंद को पाने के लिए हमें चीटी की तरह छोटा बनना होगा विनम्र बनना होगा वह अपने अभिमान का परित्याग करके ही शक्कर को प्राप्त कर पाती है कौन पिपीलिका यानी चीटी इसी प्रकार यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें अभिमान का परित्याग करना होगा कवि ने जात पांच में भेद और उसके दुष्प्रभाव को उजागर किया है भाषा सहज सरल अवधि और ब्रज का संयुक्त रूप है मिला जुला रूप है और छंद ये दोहा है कला पक्ष के स्थान पर भाव पक्ष की प्रबलता है वास्तव में जो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि थे रचनाकार थे वे लगभग कम पढ़े लिखे थे निरक्षर की स्थिति में थे तो जो कला पक्ष है जो दोहा है कुछ दोहे जो लक्षण निर्धारित किए गए हैं काव्य शास्त्र में उनसे इतर हैं हट के हैं बहुत पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं यमक और उपमा अलंकार जैसे यमक में जाति जाति में जाति है यमक अलंकार जो है वही शब्द फिर फिर है, अर्थ और ही और यहाँ जाति जाति में जाति कई अर्थ निकल रहे हैं यमक अलंकार उपमा है और रस जो है शांत है अब आइए अगला पद देखते हैं प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी जग जीवन राम मुरारी प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी जग जीवन राम मुरारी गली गली को जल बही आयो सुरसर जाय समायो संगत के प्रताप महातम नाम गंगोदक पायो स्वाति बूंद बरसे ऊपर, स्वाति बूंद बरसे फन ऊपर सोई बीज हो बूंद के मोदी नि, मोती निपजे ओही बूंद के मोती निपजे संगत की अधिकाई तुम चंदन हम रेण बापुरे निकट तुम्हारे आशा संगत के प्रताप महातम आवे बात सुबासा अरे जात भी ओछी करम भी ओछा ओछा कसब हमारा और नीचे से प्रभु ऊंच कियो है कही रहे दास संगत संगत में शरण मतलब शरण मुरारी ईश्वर मुरा नाम के राक्षस का वध करने के कारण ईश्वर को मुरारी कहा जाता है तिहारी माने तुम्हारे बह माने बहना आयो माने आना सुरसर यहाँ गंगा से सुरसर माने गंगा समायो समा जाना प्रताप माने प्रताप महात्म्य गंगोदक गंगा का उदक गंगा का जल फण माने सांप बीज माने विष और सोई माने वही निपजे माने उत्पन्न होना अरेण एक प्रकार का पौधा होता है अरंडी का और बापुरे माने तुच्छ वास माने सुगंध ओछा माने छोटा तुच्छ तो इसमें इस पद में संत रैदास ने ईश्वर के महात्म्य का वर्णन किया है संत रैदास कहते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारे संगत में हूँ तुम्हारी शरण में हूँ तुम्हारे चरणों में हूँ तो तुम तो इस संसार को जीवन प्रदान करने वाले मुरारी हो जिस प्रकार गली गली का जल अंत में जाकर समुद्र में मिल जाता है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य तुझ में ही जाकर समा जाता है जिस तरह से नदियों का जल समुद्र में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाता है उसी तरह से यह जो जीव है यह अंत में परमात्मा में जाके माने विलीन हो जाता है परमात्मा में मिल जाता है आगे संत रैदास कहते हैं तो तुम्हारी संगति के प्रताप व महत्व से ही मैंने गंगा नदी को प्राप्त किया है स्वाति बूंद अर्थात स्वात नक्षत्र की जो बूंद है यदि सांप के ऊपर बरसती है तो विष बन जाता है और यदि वही बूंद सीपी के ऊपर पड़ जाए तो मोती बन जाता है ये संगति का प्रभाव है ये संगति का असर है हे प्रभु तुम चंदन के वृक्ष के समान हो हम रेण के पौधे के समान हैं हम तुच्छ हैं प्रभु हम तुम्हारे करीब आने के लिए तुमसे कई उम्मीदें लगाए हुए हैं तुम्हारी संगत के महत्व से प्रताप से तुम्हारे पास बैठने के तुम्हारे पास करीब आने के लिए हम छटपटा रहे हैं और वह जो सुगंध है चंदन की वह हमारे मनोमस्तिष्क में छा गई है तो हे प्रभु रैदास कहते हैं कि हमारी तो जाति भी तुच्छ है हमारे कर्म भी तुच्छ हैं और हमारे कार्य भी छोटे हैं हमें तो आपने ही नीचे से ऊपर उठाकर ऊंचा कर दिया ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं अच्छा यहाँ पर कभी की ईश्वर के प्रति अटूट आस्था व विश्वास तथा भक्ति प्रकट हुई है जग जीवन व गली गली में अनुप्रास अलंकार है शांत रस का प्रयोग हुआ है और गीत काव्य की प्रधानता है इस पद को जो संगीतज्ञ हैं वे सब इसका गायन करते हैं संगत के महत्ता का प्रतिपादन किया है कि सद सत्संगति किम न करो तिपुंसाम सत्संगत क्या नहीं कर सकती अब देखिए एक प्रश्न उठता है कि हिंदू और मुसलमान के परस्पर समानता को रैदास ने कैसे बताया है अभी हमने आपसे चर्चा की है कवि रैदास कहते हैं कि जिस प्रकार कनक अर्थात सोना और कंगन में कोई अंतर नहीं है दोनों का मूल एक ही है सोना अर्थात दोनों में समान तत्व है ठीक उसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम में भी कोई भेद नहीं है दोनों समान हैं दोनों का मूल जो है वो परमात्मा है जाति और धर्म के भेद से रहित किस प्रकार के मानवीय समाज की कल्पना संत रैदास जी ने की है हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों के पास एक ही चमड़ी त्वचा खून दोनों का एक ही महत्व है इस प्रकार जातिगत भेदभाव से परे मानवीय समाज की कल्पना संत रैदास करते हैं एक प्रश्न और बनता है कि रेदास किस अभिमान को तजने की बात करते हैं और क्यों मैंने अभी पद में चर्चा के दौरान आपसे बताया कि कवि रैदास छोटा न बनने के अभिमान को तजने की बात करते हैं हमको छोटा बनना चाहिए जब तक हम छोटा नहीं बनेंगे अपने अभिमान का परित्याग नहीं करेंगे तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार उन्होंने जो दृष्टांत दिया उन्होंने जो उदाहरण दिया है कि चीटी छोटी होती है माने चीटी की तरह बनकर पूर्वक हम शक्कर के दानों को चुन चुनकर खा सकते हैं ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी खुद को बड़ा न समझकर अर्थात छोटा बनकर पूर्वक ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकता है अब सवाल यह है कि चीटी के उपमान को रहदास ने क्यों रखा है चीटी के उपमान को रैदास ने इसलिए रखा है ताकि चीटी जैसे तुच्छ जीव के उदाहरण से मनुष्य को छोटा बनने और झुकने की सीख मिल सके संत रैदास मनुष्य को आपस में जुड़ने का क्या आधार बताते हैं यह बहुत सटीक प्रश्न उठ रहा है कि कवि रैदास कहते हैं कि जब तक मनुष्य मनुष्य के बीच जातिगत भेदगत भाव जो है समाप्त नहीं होगा तब तक वे आपस में नहीं जुड़ सकते अर्थात उन्हें आपसी भाईचारा नहीं हो सकता अतः आपसी भाईचारा के लिए जात पात के भेदभाव को मिटाना होगा सुसंगत से होने वाले लाभ को रैदास जी ने कैसे समझाया है वास्तव में रैदास सत्संगत प्रिय थे उन्होंने जो कुछ सीखा है ये ज्ञान मार्गी कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे सतसंगति को बहुत महत्व देते हैं तो रहदास जी कहते हैं कि प्रभु तुम चंदन के वृक्ष के समान हो हम रेण के पौधे के समान हैं हम तुच्छ हैं हम तुम्हारे करीब आने के लिए तुमसे कई उम्मीद लगाए बैठे हैं तुम्हारी संगति के महत्व से के प्रताप से तुम्हारे पास बैठने की सुगंध आ रही है चंदन की अर्थात सुसंगत से बुरा मनुष्य भी अच्छा बन जाता है संसर्ग जाह गुण दोषाह भवंती सत्संगति से सारे गुण जो हैं आ जाते हैं और दोष अपने आप मिट जाते हैं बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन सोई गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना सत्संगति के विवेक नहीं प्राप्त होगा ज्ञान नहीं मिलेगा बिन सत्संग विवेक न हो और ये तभी संभव होगा जब प्रभु कृपा कर दें बिना राम की कृपा के आपको सत्संगत भी नहीं मिलेगी ये इसी सत्य का प्रतिपादन यहाँ पर संत रैदास कर रहे हैं अगला एक सवाल और बनता है कि प्रभु की कृपा से खोटे कर्म करने वाले लोग भी तर जाते हैं रहदास जी ने ऐसा क्यों कहा वास्तव में प्रभु की कृपा से खोटे कर्म करने वाले लोग भी तर जाते हैं रेहदास जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुच्छ कर्म या छोटे कर्म करने वाले में अहंकार नहीं होता उसे प्रभु ही नीचे से ऊपर उठाते हैं उसे भौसागर पार करा देते हैं क्योंकि अब एक अंतिम प्रश्न है कि स्वाति बूंद बरसे फन ऊपर सोई बिज होई लाई ओही बूंद के मोती निपजे और संगत की अधिकाई अब देखे सत्संगति का जो प्रभाव है माने इस पंक्ति का भाव क्या होगा इसका भाव यह है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सांप के ऊपर बरसती है तो वो विष बन जाती है और सांप जो है भी सैला हो जाता है यदि वही बूंद सीपी के ऊपर पड़ जाए तो मोती बन जाता है इस प्रकार संगत का व्यापक असर पड़ता है